रुड़की एक अपने आप में शिक्षा में बहुत ही विश्वविख्यात नाम है, क्योंकि रुड़की में आईआईटी है और आईआईटी से बड़े बड़े प्रोफेसर वैज्ञानिक बन के निकलते हैं। अगर हम बात करें रुड़की के सरकारी स्कूलों की, तो एक जहन में एक भद्दा सा गंदा सा स्कूल सरकारी जो माध्यम से चलता है वो नज़र आता है, लेकिन रुड़की में एक ऐसा भी शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट है जो कि बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करता है, और उन्होंने शारदा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रुड़की के राजकीय प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 का उन्होंने निर्माण करा, जिसके अध्यक्ष हैं H.M. कपूर और सचिव सुरेश चंद आनंद और कोषाध्यक्ष B.S. शर्मा। इन लोगों ने बड़ी मेहनत से एक ऐसे स्कूल की नींव करी है और ऐसे स्कूल का नव निर्माण कराया है जो कि सरकारी स्कूल था। हम दर्शकों को बता दें कि ऐसा स्कूल हमने कभी नहीं देखा जो हमें रुड़की में देखने को मिला है। अब बात करें जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये लक्सर है। लक्सर में मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से कहूँगा मेरे पीछे का दृश्य दिखाएं, ये एक सरकारी स्कूल है जो कि अपनी व्यवस्था जो है स्वयं कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, इसमें घास उगा है, इसका मुख्य द्वार नहीं पता है कि इसका मुख्य द्वार है कहाँ। मेरे पीछे ये लक्सर का समय प्राचीन स्कूल हैगा, लेकिन आज तक किसी भी अधिकारी ने इसे आकर नहीं देखा कि इसमें सरकारी जो बच्चे पढ़ते थे आखिर वो आज कहाँ गए। सवाल ये निशान प्रशासन पर, शासन पर है कि आखिर वो बच्चे यहाँ से कहाँ गए, जहाँ रुड़की में शारदा ट्रस्ट वाले सरकारी स्कूल को खुद अपने पैसे से पुनर्निर्माण कराकर जीवित कर रहे हैं, उनमें बच्चों को अच्छे अच्छे एजुकेशन दिला रहे हैं। ये अपने आप में एक सराहनीय कदम है। मैं पुनीत रोहिला के साथ विशेष संवाददाता आफताब खान। राजकीय प्राथमिक विद्यालय